दोस्तों, अगर आपको अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में खेला गया एशिया कप का सबसे रोमांचक और कांटे का मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट है केवल 400 लाइक का, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों आपको बता दें, श्रीलंका की सरजमी पर महिला एशिया कप 2024 का धमाकेदार आगाज हो चुका है, जिसका दूसरा मुकाबला ग्रुप ए से भारत और पाकिस्तान के बीच में डम्बोला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में पाकिस्तान की कप्तान नीदा दार ने टॉस जीतकर खुद बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। दोनों टीमों के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला देखने के लिए करोड़ों फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और आखिर हो भी क्यों ना, ये था इंडिया और पाकिस्तान का महामुकाबला। तभी तो सभी की नजरें इसी मैच पर टिकी हुई थी। खिलाड़ियों ने भी निराश नहीं किया और दोनों टीमों के बीच एक ऐतिहासिक मुकाबले में रोमांच की सभी हदें पार हो गई। पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर मुनीबा अली के साथ गुल फिरोज आती हैं। दोनों खिलाड़ी आक्रामक अंदाज में नजर आ रही थी। इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आई पूजा वत्सकर का स्वागत फिरोजा ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन पूजा ने इस चौके का बदला ओवर की चौथी गेंद पर फिरोजा को पवेलियन का रास्ता दिखाकर ले लिया, जिनका आसान सा कैच भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने लपका और भारतीय टीम को पहली सफलता केवल 9 रनों के स्कोर पर दिला दी। भारतीय टीम की शुरुआत शानदार अंदाज में हो चुकी थी, लेकिन मुनीबा अली मैदान पर टिकी हुई थी। इनका साथ देने के लिए अब सिद्रा अमीन आ चुकी थी, जिन्होंने आते ही रेणुका सिंह को आड़े हाथों लेते हुए उनकी लगातार दो गेंदों पर दो खतरनाक चौके जोड़कर अपनी टीम को 3 ओवर में 19 रनों तक पहुंचा दिया। पाकिस्तान की टीम बेधड़क अंदाज में आगे बढ़ रही थी, लेकिन दोस्तों ये तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि भारतीय खिलाड़ी तो इस मुकाबले में उनकी शामत लाने के लिए आए हैं। भारत की तरफ से चौथा ओवर लेकर आई एक बार फिर विकेट की तलाश में पूछा और इस बार उन्होंने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर मुनीबा अली को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिला दी। पाकिस्तान का स्कोर 4 ओवर में बड़े ही मुश्किल से 26 रनों तक 2 विकेट पर पहुंच पाया, लेकिन सिद्रा अमीन अभी भी मैदान पर टिकी हुई थी। इनका साथ देने के लिए अब आलिया रियाज आ चुकी थी। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी थी। देखते ही देखते उन्होंने अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 37 रनों तक इन दोनों ने मिलकर पहुँचा दिया। अभी भी मैच बराबरी पर था, पर दोस्तों इसके बाद तो केवल पाकिस्तान की तबाही का मंजर ही हमें देखने को मिला। भारत की तरफ से 8वां ओवर लेकर आई श्रियंका पाटिल ने इस ओवर में आलिया रियाज को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को तीसरी सफलता 41 रनों पर दिला दी, जहां आलिया केवल 6 रन बनाकर पवेलियन चली गई। उनके आउट होने के बाद अब मैदान पर खुद कप्तान नीदा दार आ चुकी थी। उनका भरपूर साथ सिद्रा अमीन भी दे रही थी। इन दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 10 ओवर में 53 रनों तक 3 विकेट पर पहुंचा दिया। मैच में टीम इंडिया का दबदबा साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। पाकिस्तान मैच में वापसी की जद्दोजहद कर रही थी, तभी 12वां ओवर लेकर आई दीप्ति शर्मा ने पाकिस्तानी कप्तान नीदा दार का शिकार कर पाकिस्तान की कमर ही तोड़ दी, जहां नीदा दार केवल 11 गेंदों पर 8 रन बनाकर पवेलियन चली गई। तो पारी के 13वें ओवर में रेणुका सिंह ने अकेले ही पूरे के पूरे पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। जी हां, इस ओवर में रेणुका ने आग उगलती हुए पहले 5 गेंदों पर सेट बल्लेबाज सिद्रा अमीन का शिकार कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और पाकिस्तान को 5वां सबसे बड़ा झटका दिया, जो कि 35 गेंदों पर 3 चौके की बदौलत 25 रन बनाकर पवेलियन जा चुकी थी। उनके आउट होने के बाद बैटिंग करने आए इराम जावेद को तो उन्होंने खाता भी खोलने का मौका नहीं दिया और लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट चटकाकर रेणुका ने पाकिस्तानी खेमे में हाहाकार मचा दिया था। 13वें ओवर में ही पाकिस्तानी महिला टीम 61 रन बनाकर अपने 6 बल्लेबाज गंवा चुकी थी। अब तो केवल फॉर्मेलिटी ही शेष थी। ऐसा लग रहा था कि अब तो पाकिस्तान मुश्किल से 100 रन भी नहीं बना पाएगी और उनकी हार निश्चित है, लेकिन अब मैदान पर उतरी ट्यूबा हसन ने फातिमा सना के साथ मिलकर अपनी टीम की वापसी का शंखनाद कर दिया।
आते ही ट्यूबा हसन ने चौके से अपना खाता खोला तो 15वें ओवर में पूजा वत्सकर को आड़े हाथों लेते हुए इन दोनों ने एक के बाद एक दो खतरनाक चौके लगाए। ट्यूबा हसन तो केवल चौकों में ही डील कर रही थी, उन्हें रोक पाना भारतीय गेंदबाजों के लिए मुश्किल हो चला था। 17 ओवर में ही उन्होंने पाकिस्तान को 92 रनों तक पहुंचा दिया। उन्होंने टीम इंडिया की नाक में दम कर दिया था, लेकिन तभी 18वें ओवर में एक बार फिर दीप्ति शर्मा का जादू चलता है। उन्होंने पहली ही गेंद पर ट्यूबा हसन को राधा यादव के हाथों कैच आउट करवाकर सबसे बड़ी मछली को पवेलियन भेज दिया, जहां ट्यूबा हसन 19 गेंदों पर 3 चौके की बदौलत 22 रन बना पाई। तो चौथी गेंद पर दीप्ति ने सैयदा आरूब शाह तो 5वीं गेंद पर नशा संधु का शिकार कर पाकिस्तान के 9 बल्लेबाज ढेर कर दिए थे। लेकिन दोस्तों, कौन ही सोच सकता था कि आखिरी के 2 ओवर में पाकिस्तान के बल्लेबाज इस कदर तहलका मचा देंगे। जी हां दोस्तों, 19वें ओवर में राधा यादव के परखच्चे उड़ाते हुए फातिमा सना ने एक के बाद एक दो तूफानी छक्के जड़कर हिंदुस्तान की खुशियां मातम में बदल दी। 19 ओवर में पाकिस्तान को 108 रनों तक पहुंचा दिया। हालांकि अंतिम ओवर लेकर आई श्रियंका पाटिल ने दूसरी ही गेंद पर पाकिस्तान को 108 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने फाइटिंग टोटल खड़ा कर दिया था, जिसके सामने टीम इंडिया को रोक पाना उनके लिए तो बहुत मुश्किल होने वाला था। दूसरी तरफ टीम इंडिया जल्दी से जल्दी इस मैच को जीत कर ज्यादा से ज्यादा अच्छे रन रेट हासिल करना चाहती थी। इन्हीं इरादों को सच करने के लिए भारत की तरफ से शेफाली वर्मा के साथ खतरनाक स्मृति मंधाना की जोड़ी रनों की बरसात करने आई थी। आते ही शेफाली ने लेग स्टंप पर आई फुलर लेंथ की गेंद पर फ्लिप शॉट से चौका बटोर कर अपना और अपनी टीम का खाता खोला। दूसरे ओवर में ही मंधाना का भी बल्ला गरजा। मिड विकेट के ऊपर से गेंद को चौके के लिए फेंक कर उन्होंने भी टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाई। 2 ओवर में भारतीय टीम ने 12 रन बना लिए थे। पिच से गेंदबाजों को मदद मिल रही थी, जिसका पाकिस्तानी गेंदबाज भी फायदा उठाने को देख रहे थे, लेकिन अब तक उन्हें विकेट नहीं मिल पाया था। पाकिस्तान की वापसी के लिए उन्हें जल्द से जल्द कई बड़ी सफलताएं चाहिए थी, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज ऐसा होने तो बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे। वो तो केवल चौकों से ही डील कर रहे थे। शेफाली वर्मा ने तीसरा ओवर लेकर आई शादिया इकबाल को एक बार फिर बेरहमी से पीटते हुए दूसरी और 5वीं गेंद को चौके में तब्दील कर पाकिस्तानी खेमे में हड़कंप मचा दिया था। पाकिस्तान में मायूसी थी, क्योंकि भारतीय महिलाएं उनकी टीम की हालत बिगाड़ के रखी हुई थी। शेफाली वर्मा तो अपना विकराल रूप दिखा रही थी, उन्हें रोक पाना पाकिस्तान के बस की बात नहीं हो पा रही थी। सामने कोई भी गेंदबाज आता वो तो उसे केवल बाउंड्री के बाहर ही डिपॉजिट किए जा रही थी। यहाँ तक कि चौथा ओवर लेकर आए खुद पाकिस्तान की कप्तान नीदा दार आई थी, लेकिन उनका भी स्वागत शेफाली वर्मा ने मिड विकेट के ऊपर से चौका जड़कर किया और पाकिस्तान की जीत की सभी उम्मीदों को पानी फेर दिया। तो उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए 5वीं ही गेंद पर स्मृति ने चौका जोड़ा और इन दोनों ने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से 4 ओवर में ही टीम इंडिया को 33 रनों तक पहुंचा दिया था। अब तो जीत भारत के हाथों में थी। पाकिस्तान ने वापसी करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन भारत को रोकना उनके बस की बात ही नहीं हो पाई और पाकिस्तान को बुरी तरीके से धूल चटाकर भारतीय महिलाओं ने इतिहास बरकरार रखा और जीत का झंडा गाड़ कर उन्होंने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का तिरंगा शान से लहरा दिया। तो दोस्तों, टीम इंडिया की भारतीय महिलाओं के इस जीत पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इंडिया इस बार एशिया कप की चैंपियन बन पाएगी या नहीं? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।